वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको खुश आमदीद है जी। और हम चूँकि पहले खान गुल मंदोखेल साहब से तारीख़ के ज़रा झरोकों में मंदोखेल साहब के साथ ज़रा सफ़र कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं जी। आप बता रहे थे कि ब्रिगेडियर इम्तियाज़ बिल्ला की आप बात कर रहे थे। ये ब्रिगेडियर इम्तियाज़ तो ठीक है, ये बिल्ला क्या है? बिल्ला उसकी ब्लू आईज थी ना। अच्छा, उसकी वजह से तरह वो आंखें थी, कलर उसका ऐसे फिरोजी टाइप कलर होता है ना, वो उस तरह का था। और ये बड़ा कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से इसको सिंध में, मतलब सिंध के उससे जनरल बन जाए। ज़िया के बहुत करीब था, बहुत ही करीब था ज़िया के, इसके पास सिंध था। फिर उसको उठा के नवाज शरीफ ने जब नवाजा तो 1990 में हाँ बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो मेरा बॉस जो था, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मेरे बॉस फरीद नवाज थे और मसूद शरीफ था। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहे हैं, मसूद शरीफ को तो मुहतरमा ने लगाया था, वो तो बाद में बॉस बनाया था। इस वक्त वो जॉइंट सेक्रेटरी आया था, पहले डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो पहले। ओके, तो उस वक्त हमारा बॉस था पहले जफर राठौर। इलेक्शन हुए वो 3 महीने के नहीं होते हैं, पता नहीं मोइन कुरैशी था कि कौन आया हुआ था अमेरिका से, कोई एक किराए का प्राइम मिनिस्टर, परवेज राठौर या जफर राठौर? नहीं नहीं, परवेज राठौर तो एसपी लाहौर था, परवेज राठौर तो वो था, वो जफर राठौर हमारा कमांडेंट था पुलिस एकेडमी का। ठीक, उसको लगाया हुआ था, उसको लगाया था। बड़ी आला शख्सियत थी, वेरी फाइन ऑफिसर, वेरी फाइन मैन, अभी पता नहीं जिंदा है कि मर गया, लेकिन ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। मैंने पुलिस में इतना फाइन आदमी बहुत कम देखा है। एक वो था, एक फरीद नवाज था, और चंद आदमियों के मैं नाम ले सकता हूँ जो मैं, वो कहते हैं ना कि जिनकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड थी, उनका नाम उनमें से, मतलब एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ये जफर राठौर और दूसरा कौन सा मैंने बताया, फरीद नवाज बताया, फरीद नवाज साहब, फरीद नवाज साहब, और ये अबव बोर्ड लोग थे, बहुत ही कम। बाकी मसूद शरीफ का टाइम आपने कैसे देखा? बाकी तो देखें, जो भी आया आईबी में मेरे टेनोर में, मैं 2 दफ़ा रहा हूँ, 1 दफ़ा असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, बाद में जब मैं 20 ग्रेड में आया तो उस वक्त मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल DDG, ठीक हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा। आईबी का मर्ज है सबसे बड़ा, उसका सीक्रेट फंड। ये करते क्या है कि आईबी का बॉस जो होता है वो वजीर आजम के साथ, अगर वजीर आजम करप्ट हो तो उसको फोन करता है, उसको कहता है कि सर इतने पैसे चाहिए। वो कहता है, अगर वो करप्ट हो, वजीर आजम अगर करप्ट हो तो, ये याद रखे मेरे वर्ड्स, तो वो कहता है कि सर मैं क्या करूं, कहता है लेटर बना के भेज दे, मैं मतलब फंड्स रिलीज कर दूंगा। वो ऑफिशियल राइटिंग में आ जाता है कि ड्यू टू आर मतलब ऑफिशियल एंगेजमेंट्स, माय सब ब्यूरोज, मतलब ये माय सब ब्यूरोज आर इनकेपेबल ऑफ रीचिंग, ठीक हो गया, मतलब ठीक हो गया, उनकी जो भी जरूरियात हैं, जो जरूरियात हैं वो उसका वो बहाना बना के एक लेटर भेज देते हैं, उसके ऊपर वजीर आजम लिख देते हैं कि रिलीज 5 बिलियन रुपीज। कितने? मिसाल के तौर पे 5 अरब रुपए, 5 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब, ये तो आम आते हैं ना सीक्रेट फंड में। सीक्रेट फंड में फिर क्या करते हैं ये लोग, सीक्रेट फंड इधर से उठा के DIB जो है, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो उठा के वो अपने सब ब्यूरोज में जो इंचार्ज होते हैं 19-20 ग्रेड में, उनको भेज देता है। एक को कहता है कि ये 2 करोड़ भेज रहा हूँ, एक को कहता है 5 करोड़ भेज रहा हूँ, एक को कहता है 4 करोड़ भेज रहा हूँ, होते सारे अपने टाउट्स हैं, सारे अपने आदमी होते हैं अक्सर बेशतर। नहीं, वो अफसर होते हैं, टाउट थोड़ी होते हैं, टाउट ही मैं उनको कहता हूँ कि जो मतलब वो पैसे वापस करते हैं तो वो टाउट ही होते हैं। फिर मतलब ऑफिसर तो शान से बैठेगा ना, ऑफिसर तो पेट में लात मारेगा कि बाढ़ में जाता है, रबाब भी नहीं दे सकता मेरे से। अच्छा, वो जो हैं वो उनको पैसे जाते हैं, उनको कहते हैं कि जी अब ये पैसे आप बैंक से निकलवा लें, वो जाते हैं कि बैंक से ऑफिशियल अपने चेक के ज़रिए निकलवा लेते हैं, पैसे कैश आ गए, अब उनसे कोई पूछ नहीं सकता है कि वो अनऑडिटेबल पैसे हो जाते हैं। अच्छा, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो अब वो उसको बोलता है, DIB उसको बोलता है कि अब ये पैसे ब्रीफकेस में लेके मेरे पास इधर इस्लामाबाद आ जा। वो आता है, वो सारे 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए DIB को ऐसे पकड़ा देता है कि ये आपके हो गए। इसीलिए तो ब्रिगेडियर इम्तियाज ने F-10 में 8-9 बंगले ले लिए थे, हजार हजार गज के,
22-24 लाख रुपए में 1990 में, जो बाद में केस भी बना था जिसपे जेल गया था, वो 5-6-8 बंगले ले लिए थे 22-22 लाख रुपए में। महज इल्जाम ही ना हो, पता चले कि वो आप पे सू कर दे। मेरे भाई सू करते तो अभी कर दे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसी पे जेल गया था, फिर 2 साल 2.5 साल 3 साल बीबी ने इसको जेल में रखा था। वो तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई, इंतकामी कोई नहीं थी, ये सदाकत थी। अच्छा, तो मेजर आमिर तो, मेजर आमिर उनके साथ थे, लेकिन उनकी तो इंटेग्रिटी के बारे में कभी सवाल उठा। मेजर आमिर को मैं इसलिए नहीं जानता हूँ क्योंकि मेजर आमिर के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, वो एफआई में था, ये आईबी में था, मैं आईबी में था ब्रिगेडियर इम्तियाज के साथ। इतने पैसे बन जाते हैं, मतलब इस तरह होता है, अरबों रुपए मिलते हैं इनको सीक्रेट फंड वगैरह में। आजकल अरब रुपए है क्या चीज यार, चोरी करने के लिए इनके पास अरब रुपए को आप आजकल क्या समझ रहे हैं? ये कितने आसानी से आपने एक अरब रुपया कह दिया। मैं अरब रुपए आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मेरे भाई आप ये समझने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आजकल चोरियां सामने आ रही हैं कि फालूदे वाले के अकाउंट से 4 करोड़ निकल रहे हैं, तो साइकिल वाले के अकाउंट से 50 करोड़ निकल रहे हैं, तो दूसरे के अकाउंट से, रेडी वाले के अकाउंट से, ठीक हो गया। इस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। ओके, अच्छा चलिए, एक तरफ तो ये पुलिस के और इंटेलिजेंस के और बाकी, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है इंटेलिजेंस के सिस्टम में हमारे यहाँ चूके बहुत। और पहला स्टेप ये हो कि जिस इदारे में, जो पब्लिक डीलिंग का इदारा है, आर्मी में एक चीज होती है, आर्मी चूंकि मैं 15 पंजाब यूनिट के साथ, जहाँ ये उड़ी शहर का वो धमाका, वो नहीं था गड़बड़ जो हुई थी, जो उड़ी इंडिया का शहर है, मैं उड़ी के ऊपर 12,000 फुट पे पांडू पे 4 महीने पोस्टेड रहा हूँ। ये नीचे उड़ी शहर था, हम लोग ऊपर से दूरबीन में देखते थे पूरा दिन उनकी हलचल वगैरह सारी, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हमारी 15 पंजाब यूनिट थी पांडू पे। कब की बात है? ये 84 की बात है, हमारा वो जो बाद में ब्रिगेडियर इजाज शाह वो आईबी का बॉस बना था, मुशरफ ने बनाया था, ये मेरा सीओ था, कर्नल था ये उस वक्त, ये पांडू पे इसकी यूनिट थी। तो आप किस हिसाब में गए थे वहाँ? अब मेरी मिलिट्री अटैचमेंट थी, तो बाकियों ने अच्छा। सोचा, बाकियों ने जिनकी सिफारिशें लगाई मैं भी लगा सकता था, उन्होंने सारों ने अपनी पोस्टिंग्स कर दी एक एक यूनिट के साथ, जो पाकिस्तान आर्मी तो हर जगह यूनिट्स हैं, उन्होंने किसी ने खालियाँ किसी ने लाहौर, मैंने कहा नहीं, स्टार्ट से ही उस जगह पे जाना शुरू करो कि जहाँ से तजर्बा गेन करो। ठीक हो गया, आप वहाँ गए, पांडो गए, तजर्बा ही हासिल किया, बाकी कुछ आगे पीछे नहीं हो सका। चले, तजर्बे का तो कोई नेमल बदल भी नहीं होता। ठीक हो गया, आपने वो, आप वहाँ गए, लेकिन इसका आईबी में या जो तफ्तीशी इदारे हैं उनको क्या फायदा हुआ वहाँ पे, क्या जो इसका, इसका सबसे बेहतरीन तरीका कार ये है कि एक तो पुलिस की तफ्तीश आप एएसआई और सब इंस्पेक्टर से लेके एएसपीज को दें। अच्छा, एएसपीज को दें डायरेक्ट, और जिस तरह उनको बेचारों को क्या पता। एक सेकंड सर, एक सेकंड, शहबाज शरीफ ने जो किया था वो बगैर सोचे समझे उसने किया कि भाई एएसपीज जो है वो थाने में बैठेंगे। जी, अब जब आप एएसपीज को थाने में बिठाते हैं तो वहां पे सिपाही से लेके ऊपर तक होता है, उसकी जो वो डिग्निटी ऑफ पोस्ट है, वो आदमी तो कोई भी हो फर्क कोई नहीं पड़ता है, उस पोस्ट का जो, उस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो जगह चाहिए होती है वो थाना नहीं था। आप ऐसे करें, हर शहर में एक बड़ी बिल्डिंग बनाएं या खाली करें, एएसपीज को उधर बिठाएं, उधर उनका अपना एसपी हो, जो जहां क्राइम होता है, मिसाल के तौर पर कराची है, कराची में आपने एक ये बिल्डिंग बना दी जिसमें सारे एएसपीज हों, जो ट्रेंड हों, जिसमें इन्वेस्टिगेट कर सकें, वहाँ से मिसाल के तौर पे क्राइम होता है 130-140-150 थाने, एक थाना 1-150 कितने हैं, 150 नंबर थाने में मर्डर हो गया, आप यहाँ से एएसपी को भेजें कि भाई ये फाइल तेरे पास है, ये क्राइम तूने अनर्थ करना है, ठीक है, यहाँ से उस थाने के लोग जो है नफरी जो है वो उस थाने में जैसे उधर इंफॉर्मेशन आती है वो जाके क्राइम सीन को सिर्फ महफूज करें, महफूज कर लेंगे, ठीक है, उनका और कोई काम नहीं होगा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक, वो थाने के ये लोग जो है वो एसएचओ इस चीज का जिम्मेवार होगा कि किसी चीज को कहीं हाथ ना लगाओ, ठीक हो गया, जब तक ये एएसपी अलोंग विद एक दो वहां ना पहुंचे ऑफिसर, जो वहां ना पहुंचे, अब वहां पहुंच के इसको चाहिए कि वो अपना जो उसने लेटेस्ट लॉज दुनिया में हैं उसके हिसाब से, जो नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले, वो केस अब जिस तरीके से, तो वो क्यों ना, वो जो तफ्तीश पहले ही कर रहा है, तफ्तीशी है, एएसआई
पहले वो एएसआई है और फिर उसके बाद एसआई है, फिर वो इंस्पेक्टर है, वो माइंडसेट जो है, वो माइंडसेट अभी तक यही है कि फाइल के ऊपर करप्शन हो, तो वो माइंडसेट निकालने के लिए मैं आपको ठीक है एएसपी को आपने वो जिम्मेदारी दे दी जो एएसआई कर सकता है, एएसपी सुपरिंटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसलिए ताकि शुरू से ही माइंडसेट ठीक हो जाए कि भाई ये पोस्ट जो तो है फिर ये तो वो भी पैसे पकड़ने शुरू कर देगा डायरेक्ट फाइल, मतलब तो नजर आना शुरू हो जाएगा, जब वो नजर आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद डोंट स्पेयर इज बॉस, बॉस को अगर आपने स्पेयर किया। आर्मी में एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सीखी थी, वो ये थी कि अगर मैं एक 15 पंजाब यूनिट का सूबेदार मेजर हूं और मैंने कोई गड़बड़ की है, इधर की है उधर की है, तो जिस वक्त मेरे बॉस की बारी आती है ब्रिगेडियर बनने की, उसकी अपनी वीकनेस ऑफ कमांड ऑफ द यूनिट उस बेस पे उसकी तरक्की रुक जाती है कि भाई आप इतने इनकॉम्पिटेंट थे, आपकी यूनिट के लोगों ने ये गड़बड़ की थी। अच्छा, यानी जो मातहत है मातहत की करप्शन की जिम्मेदारी भी करप्शन पे आएगी, सिर्फ करप्शन नहीं नाहली हर किस्म की नाहली। ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इधर देखा था लियाकतबाग में किसी लड़के ने किसी दूसरे लड़के को, तीन का ग्रुप था, उन्होंने किसी को रेप किया था, तो लियाकतबाग के पास, मैं ये 2001 की बात, 2 की बात बता रहा हूँ आपको, उसके खिलाफ उसका मतलब जो वो फौजी थे उनको डिसमिस कर दिया गया, सारा कुछ कर दिया गया, लेकिन वो जो उसका ऑफिसर था वो गरीब बाद में सफ़र इसलिए किया कि भाई ही मतलब लैक्ड कमांड ओवर हिज ठीक है, यहाँ तो बल्कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी आईएसआई के वो जो यहाँ पे इंचार्ज थे इस्लामाबाद के, उनको इसलिए हटा दिया गया था कि उन्होंने उनके जो मातहत तो 2-3-4 लड़के थे, उन्होंने जाके कब्जा कर लिया था किसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर के घर पे। बिल्कुल सही, तो आप ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जिस अफसर का अभी पासपोर्ट ऑफिस है, आप पासपोर्ट ऑफिस के पासपोर्ट ऑफिसर जो है ग्रेड 17 का, जिस दिन करप्शन की बात आती है आप उसको कहें कि भाई तुम्हारा और तुम्हारे डिप्टी डायरेक्टर का बिस्तर तो गोल करो, ठीक हो गया। अच्छा, अगर इससे नहीं बाज आते तो फिर 1-2 डीजीज को, आप पासपोर्ट वाले 2 डीजीज को ओएसडी बना के भेज दें, आपका पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इजला में डीसीओ डिप्टी कमिश्नर्स हैं या एसएसपी, ये सारा खुद कराते हैं, अगर करप्शन जिले में जब हो रही होती है ये सारे में मिले हुए होते हैं, सब ये मिलके करते हैं। मतलब ऑनेस्ट आदमी जो है उसकी उसके डिस्ट्रिक्ट का पता लगेगा आपको, नहीं तो पैसा कमाते हैं, असिस्टेंट पैसा कमाने की वजह से, ये नाहली की वजह से, नाहली भी होती है पैसा भी होता है, डिफरेंट रीजंस। अच्छा चले चले, यहाँ तो है ना एक और, मैं आपको एक डीसी का बताता हूँ, इरफान कासी अगर मुझे सुन रहा हो, कोयटा का था वो, ये जॉब में डीसी था और मैं एसपी था, तो मुझे किसी ने बताया कि भाई ये इधर जो ट्रक्स आ रहे हैं सारे ये पैसे लेते हैं, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि जी इसके बाद आप पैरेलल होंगे, ये 88 की बात है कि फिर मेरा पुलिस वाले जो हैं आपको कहीं पे नहीं छोड़ेंगे, मैं पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाऊंगा, क्योंकि मेरा जिला होम डिस्ट्रिक्ट था जोब, किसी किस्म का कोई भी बंदा, क्योंकि मैं कलाशनकोफ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, आपने पैरेलल सिस्टम बनाया फिर? नहीं बनाया, नहीं मैंने कहा अच्छा। कि अपने एसी को बता दो कि वो ट्रैफिक नहीं रोकेगा किसी के भी, और फिर मैंने जब उधर, चूंकि ट्राइबल एरिया था, मैंने लोगों को बुलाया, मैंने कहा कि ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं, कहते हैं हाँ सर ये बाहर निकल आते हैं, एसी के साथ खड़े होते हैं जीप में 4-6-8 किलोमीटर पे, वहाँ पे हर ट्रक से पैसे लेते हैं, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि भाई तहसीलदार और एसी वगैरह ये कि भाई आइंदा ये मत करना, मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है, चूँकि ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और इधर होम डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए मेरे ऊपर आम लेबल लगेगा, और मैं इस इलाके के ट्राइबल सिस्टम में, ठीक है, मैं इस इलाके तो क्या हुआ, मैं इस इलाके के खान बहादुर का ग्रैंड सन हूँ, मुझे हर बंदा जानता है, जो इधर छोटा सा बच्चा है वो भी जानता है। तो फिर क्या हुआ? फिर उसको उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, मैंने ट्रक्स को इजाजत दे दी कि अपना सामान लाओ, जो कुछ करते हो, अगर कुछ इलीगल हुआ, कोई चीज भी हुई, नारकोटिक्स हुई, जो जिसके जो जिस फील्ड की नारकोटिक्स वगैरह का है उसका, तो मैंने उधर उनको कह दिया कि भाई ये साकी खाने बंद कराओ, वरना जितने पीने और पिलाने वाले हैं वो उनको बंद करो। साकी खाने से क्या मतलब? साकी खाने जहाँ पे चर्स और ये चीज़ें चलती हैं, जहाँ पे एक अड्डा होता है जिसको अंग्रेज कहते थे सलून, अमेरिका में सलून कहते थे, जहाँ गेट टुगेदर होता था। अच्छा, हमारे हमारे यहाँ तो हजामों की दुकान पे लिखा हुआ है कि हेयर कटिंग सलून, वहाँ पे अमेरिका अमेरिका में अमेरिका में 19वीं सेंचुरी में सलून वो जगह थी जहाँ डिस्कशन होती थी, शराब होती थी और सारा कुछ वहाँ पे वो था, 19वीं सेंचुरी की बिगनिंग में भी
جس وقت پروہیبیشن جو الکوہل کو پروہیبٹ کیا تھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ابھی ٹائم چونکہ ایک بریک کا ہو گیا لیکن میں بریک سے واپس آ کے آپ سے ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا اور وہ ہے کہ کیا بلوچستان کو جو ارب ہر روپے کے فنڈز ہر سال ملتے ہیں وہ کون کھاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ، وزراء، بیوروکریسی، سب مل کے خدا کی قسم اگر ایک نے بھی اسپیئر کیا ہو. چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ابھی لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، بریک سے واپس آتے ہیں تو خان گل صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید. ہم آئے بلوچستان کی طرف، خان گل صاحب کے ہمراہ ہیں موجود ہم، اور مندوخیل صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے وسائل ہیں، وہاں کا جو احساس محرومی ہے، وہ جو ہر سال وہاں اربوں روپیہ مرکز سے وہاں جاتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ بات پوچھنے کی، کدھر جاتے ہیں جی وہ پیسے؟ مرکز دیتا نہیں ہے حالانکہ دیتا ہے، تو وزیر اعلیٰ ہے، کیبنٹ ہے اس کی، اور بیوروکریسی ہے، سارے کدھر جاتے ہیں؟ سارے مل بیٹھ کے کھاتے ہیں، سارے مل بیٹھ کے ایسے بانٹتے ہیں جیسے باپ کا مال ہو. کس طرح؟ 35-40-50-60-70 کروڑ روپے پر ایم پی اے پر ہیڈ نکل آتا ہے جتنے پیسے ملتے ہیں. ہاں ہاں، جتنے جتنے جتنا فنڈ آتا ہے یہ اتنے نکلتے ہیں. تو ہر ایک نے یہ سوچا ہوا ہے کہ سرکار کا مال ہے، یہ اپنے باپ دادا کا مال ہے، کماؤ. حالانکہ میرا مطلب، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا کزن ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا ادھر، وہ بڑائی اپنی ہو جاتی ہے. ایک واحد شخص وہی ہے کہ جس کے بارے میں بلوچستان اور آئی ایس آئی اور آئی بی کو پتہ ہے کہ یہ آدمی کبھی نہیں کھاتا ہے پیسے، بلکہ اپنی جیب سے لگاتا ہے. کہاں سے؟ اپنی جیب سے. وہ بہت بڑا، بہت امیر آدمی ہے، بہت پیسہ اللہ نے دیا، اس کے باپ کو بہت دیا ہے اس زمانے میں جس وقت آپ مطلب پورے بلوچستان کی وہ جو ایک آدمی بیوروکریسی اور سیاستدان، باقی آپ چھوڑ دیں، باقی سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں سب. کیسے؟ مطلب وہ جو فنڈ جاتے ہیں اس سے تو سڑک، میرے بھائی وہ تو دیکھیں کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، سارا کاغذوں میں مل کے ڈی سی، لوکل گورنمنٹ اور یہ سارے مل ملا کے ادھر ادھر چنا اور رنگ روغن اور یہ. تو یہ تو سارے کے سارے وہاں کے بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں. میں سر ایف آئی میں تھا بلوچستان کے، تو پنجاب کا کون سا پرایا آدمی آ کے پنجاب میں کھاتا ہے؟ پنجاب کا پنجابی کھاتا ہے سارا کچھ. ادھر جو ٹھیکیدار ہے، شہباز شریف پرایا آدمی تھا، پنجابی نہیں تھا. نواز شریف پنجابی نہیں تھا، زرداری سندھی نہیں ہے. تو پھر احساس محروم، پنجاب والے تو نہیں کہتے کہ ہمیں احساس محروم، بلوچستان والے کہتے ہیں ہمیں احساس محروم. بلوچستان والے اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہاں پہ آپ نے انفراسٹرکچر کسی انڈسٹری کسی چیز کا نہیں دیا آج تک. اب میرے جیسے تو یہ تو صوبائی حکومت نے، میرے بھائی بات سنیں، میرے بات سنیں، میری بات تو لونے والے نے نہیں کرنا. نہیں نہیں، یہ صوبائی حکومت کر ہی نہیں سکتی. دیکھیں یہاں پہ آپ کو اے ٹو بی گاؤں کو آپس میں ملانے کے لیے 1 کلومیٹر کا فنڈ چاہیے، سڑک چاہیے نا. ایک سیکنڈ، یہاں پہ ٹاؤن اے سے بی تک آپ کو 1 کلومیٹر کا فنڈ چاہیے، تو وہ یہ دو چکری سے لے کے مثال کے طور پہ کوئی قریبی گاؤں ہے تو 1 کلومیٹر کی سڑک بن جائے گی 5-10 کروڑ روپے میں، گاؤں کنیکٹ ہو جائے گا.
वहां हमारी जब आप कनेक्शन दो गांवों के दरमियान देंगे तो 40 किलोमीटर की रोड आपको बनानी पड़ेगी, तो क्योंकि फार फ्लंग एरियाज हैं। अब जब फंड इतना थोड़ा आता है 30-35 उन डेवलपमेंट्स के लिए, तो ये किया जाता है कि ये सारे का सारा फंड खा जाते हैं। मैं तो एक टीवी चैनल पर बैठा हुआ था, मैंने कहा कि इसमें ये सारे जरदारी नवाज शरीफ वगैरह की गवर्नमेंट ये आपस में अंदर से मिली होती है, इनको ये होता है कि भाई नो कॉन्फिडेंस वोट में बलूचिस्तान वाले हमें सपोर्ट कर दें कि अगर कोई ले आता है, बाकी फाइट तो जो है वो सिंध पीपल्स पार्टी की और नवाज शरीफ की है पिछले 30 साल से, 88 से भी नहीं यार, 88 से पहले ज़ियाउल्लाह ने जिस वक्त उन्होंने अपने अपने जो भी करप्शन की खराबी की बात हो रही है कि जो बलूचिस्तान का एहसास महरूमी है वो तो फिर बलूचिस्तान के अपने सियासतदानों की वजह से हुआ ना, या करप्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से, या देखिए 71 साल में। अब अगर आप बलूचिस्तान की एहसास महरूमी कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ 1925 to 1928 क्रोम की माइन थी हिंदुबाग के पास, अंग्रेजों ने क्वेटा से स्ट्रेट रेलवे लाइन बिछाई कान में तरजई के थ्रू, वो रेलवे लाइन वहां तक आई और उधर से क्रोम डिग करते थे, पूरा इलाका क्रोम से भरा हुआ है, वो क्रोम एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर उस ट्रेन में क्वेटा भेज देते थे, क्वेटा से फिर ब्रॉड गेज ट्रेन में कराची आ जाता था, केपीटी कराची पोर्ट पे, वहां से अपनी शिप्स में डाल के इंग्लैंड भेज देते थे क्रोम। इसका बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। हुआ क्या कि अंग्रेज को बलूचिस्तान में, चूंकि हमारे तो लोग गरीब चरवाहे थे, शेपर्ड्स थे सारे, तो उसने क्या किया कि उसने ऐलान कर दिया बंबई में और कलकत्ता में कि भाई जो आदमी जाएगा ये कोल माइंस, ये क्रोम माइंस चलाने के लिए, उसको बलूचिस्तान का लोकल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 3 साल में, 3 साल के बाद पूरी जिंदगी के लिए उसकी औलादें जो बढ़ती रहेंगी उनको लोकल या डोमिसाइल होल्डर ही समझा जाएगा अगर 50 जनरेशन बाद में होती हैं। लोग पढ़े लिखे थे उधर, थोड़े बहुत हुआ, आगे सारे इधर सेटल हो गए। वो जब सेटल हुए 3-3 साल के बाद डोमिसाइल लेके, अभी उसकी 5वीं नस्ल है यार, बाप मर गया, किधर चला गया उस सेटलर का जो कि मजदूरी के लिए क्रोम में और कोल में और दूसरी जगह जो अंग्रेज को मजदूर नहीं मिलता था वो आए हुए थे, अब 5वीं नस्ल है। आज तक वो सारा डोमिसाइल के बेस पे जो बलूचिस्तान का CSS और PCS का कोटा है उसके ऊपर वही पंजाबी के बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, वो हिंदुस्तान 5वीं नस्ल है, आप उसको भी पंजाबी की नस्ल ही कह रहे हैं, यानी उनको आप नहीं मान रहे? नहीं, वो तो चाहे सिंध में चले गए पंजाब में आ जाए। एक मिनट भाई, 3 साल उसका बाप रहा ना मुलाजमत करके, आप मुझे आज लोकल सर्टिफिकेट 3 साल के बाद देंगे कि मैं पंजाब से CSS करके आ जाऊं? 3 साल के बाद आप मुझे लोकल सर्टिफिकेट देंगे कि मैं पंजाब से? ये 1927 है। नहीं तो 100 साल के बाद आज तक वो ले रहे हैं, आज तक 1927 में जिसका वो जो वहां रहते नहीं है। मेरे भाई पता नहीं किधर मर गए, सारे सारे नाजमाबाद कराची में रहते हैं या कोरंगी में रहते हैं। वो जो जो आदमी जो जो आदमी आया था क्रोम माइन में काम करने के लिए, तो बलूचिस्तान में जो लोग हैं जो जो उनका एहसास महरूमी है, इसका मतलब उसके जिम्मेदार तो फिर वहीं के अपने लोकल लोग हुए ना। लोकल लोग से मेरी मुराद लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट से मुराद वहां का वजीर आला वो जरा। आपने मेरे भाई ज़ियाउल्लाह के दौर में करप्शन का जो आपने फ्लड गेट्स खोले, ओ यार वो तो मर गया, उसकी तो जान छोड़ दे ना। मेरे भाई सुने तो सही, तो उसमें फिर आप रिवर्स में गए या फिर उसकी करप्शन जो थी उसकी करप्शन उसने आगे वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। ये ऐसे है जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मुझे ये बताएं हर साल जो अगर 1 खरब रुपए आपको मिल गया बलूचिस्तान गवर्नमेंट को तो किसने खाया? यहाँ से नहीं तो पंजाब से जाके किसी ने खाया? भाई वहां से पंजाब के लोगों ने खाया, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स मिले होते हैं। कितने के लोग होते हैं, चीफ सेक्रेटरी या आईजी? नहीं, एसपी भी होते हैं, डीआईजी भी होते हैं, सारे का तो सारे ये वजीर आला वगैरह जो है ये कोई चीज नहीं होता? नहीं, सारे मिलके खाते हैं ना, एक आदमी तो नहीं खाते। तो बलूचिस्तान का वजीर आला पंजाब से जाता है? बलूचिस्तान का होता है जो वज़रा है उसको भी पैसे चाहिए, तो वज़रा जो है उनको उससे ज्यादा चाहिए। तो फिर यूं कहे ना कि उनके एहसास महरूमी में कोई शुबा मुलविस नहीं है मेरे भाई। नहीं
کوئی دوسرا صوبہ نہیں یہ خود ملوث ہے پھر آپ نیب اور ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو سلیپنگ پلز دے کے سلا نہیں دیتے جیسے نواز شریف اور زرداری نے سلیپنگ پلز کھلا دی آپ کے بھی تو وہاں سے 22 کروڑ روپے ایک ایک بیوروکریٹ کے گھر سے نکلا اسی لیے تو نکلے کہ بیوروکریٹ بھی کما رہا ہے وہ بھی کما رہے ہیں چونکہ آپ نے نیب اور ان کو سلیپنگ پلز دے دی ایک کسی نے مجھے کہا کہتے کہ یار یہ اینٹی کرپشن میں فلانے کو ایس پی لگانا ہے تو میں نے کہا مطلب ڈسکشن ہو رہی تھی میں نے کہا کہ سر آپ اس کو ایس پی لگائیں گے تو اس کی کرپشن روکنے کے لیے آپ کو ایک اور ڈپارٹمنٹ کھولنا پڑے گا کہ اس کی کرپشن روکیں وہ کون سے ذات شریف تھی مطلب کوئی ایس پی تھا تو میں نے کہا پھر یہ اتنا کرپٹ آدمی ہے کہ یہ باغدے چور کی لنگوٹی اتار لیتا ہے لنگوٹی کیا اس کا انڈر ویئر اتار لیتا ہے باغتے ہوئے یعنی یہ اینٹی کرپشن والے ان کے بھی باپ ہیں ان کے بھی باپ ہیں یہ جو جدھر جس کا جدھر ہاتھ لگتا ہے خدا کی قسم اگر کسی نے اسپیئر کیا ہو اس ملک میں ابھی سوائے آپ کے نہیں میں اپنے آپ نے بھی اپنا حصہ لیا شیر وصول کیا پوری دنیا لیتی ہے اوکے چلیں ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ اختتام پذیر ہو گیا خان گل مندوخیل صاحب آپ سے گفتگو بڑی مزیدار رہی ناظرین ایک تو آپ کا شکریہ بہت شکریہ خان گل مندوخیل صاحب آپ کی تشریف آوری کا ناظرین بلوچستان کا احساس محرومی ہو یا پولیس کی سروس ہو یا دیگر اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے گفتگو ہو تو آج ہم نے جو گفتگو کی بہت سارے چہرے ماضی کے آپ کے سامنے خان گل مندوخیل صاحب نے بے نقاب کیے انہوں نے ان کی باتوں میں اس لیے بھی مجھے صداقت لگتی ہے کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بہت پاک پوتر نیک پروین ہے اس لیے مجھے ان کی تقریباً تمام باتوں پہ ہی اعتبار ہے اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو جی زاہی جھنگوی کو اجازت دیجیے اللہ وارث